गाइस वेलकम टू तो माय चैनल एस एम टेरो रीडिंग और इस समय पर आपके पर्सन की क्या करेंट एनर्जीज है एंड दिन भर की आज की एनर्जीज यानी कि आज सारे दिन में आपके पर्सन ने आपके बारे में क्या सोचा उनके मन में आपको लेकर क्या आया इस चीज़ को टेरो कार्ड से देखेंगे सो डियर गाइस आई होप सो कनेक्ट करेगी मेरी ये रीडिंग कमेंट करके ज़रूर बताएगा एंड चलो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बलैक उनको प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए तो अभी देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है और राशि मैं आपको बता दूंगी राशि में बता दूँगी जो मुझे राशि दिखाई देगी टाइमलेस भी है मेरी रीडिंग तो टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी आप देख सकते हो एंड चलिए उनकी एनर्जीज़ आज दिन भर में क्या सोचते रहे वो आपके बारे में लेकर उनके मन में क्या है इस चीज़ को देखेंगे ओके okay. सो so, यहाँ पर उनकी तरफ से दावड़ का कार्ड आया हुआ है यानी कि आज दिन भर में मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा अपन भी आपके बारे में सोचा डाउन के बारे में भी सोचा और ओवर थिंकिंग भी करते रहे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माइंड में आ, इनकी जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से बहुत सारे आ, चीज़ों के बारे में ना कि सिर्फ सोचा बल्कि यहाँ पर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ कुछ फैसले कुछ डिसीज़न भी लिए गए हैं मतलब खाली सोचा ही नहीं है कि बस सोच लिया नहीं डिसीज़न भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन आपके कि जैसे कुछ फैसला भी ले लिया है दिन भर में कुछ मन में पूरे दिन में बैठ के आकलन करके ये सोच लिया है कि मतलब लाइक डिसलाइक लाभानी सारी चीज़ों के बारे में सोच करना उन्होंने अच्छे से समझ लिया है कि मुझे अब करना क्या चाहिए तो ये तो आज की एनर्जीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि क्या फैसला लिया है देखेंगे नेक्स्ट एक्शन इन्होंने लिया है क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए सो एनर्जीज में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं देखेंगे सो so, पहले मैं कार्ड्स ले लूँ राशि बता दूँ उसके बाद ही मैं आ, रीडिंग स्टार्ट करूँगी ओके वाह जस्टिस वाओ वेरी नाइस देखो भाई यहाँ पर इन्होंने तो भाई जस्टिस कर दिया है उन्होंने जो फैसला लिया होगा आई थिंक आज सोचा अब उन, उनकी तरफ से क्या जस्टिस है उ, उनको क्या चीज़ सही लगी जिसको उन्होंने जस्टिस किया ये चीज़ को भी देखेंगे थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर देखो उनकी साइड से जस्टिस आ गया अभी उनको क्या ऐसा लगा किसके साथ उनको जस्टिस करना है ये चीज़ अभी थोड़ा सा देखने पर ही पता चलेगी बट उनकी तरफ से जस्टिस आ गया जो भी फैसला लिया बड़े सोच समझ के आज दिन भर का फैसला है बड़े दिमाग से लिया है ऐसा लग रहा है कि सारा दिन जो है वो इसी बात के बारे में सोचते रहे हैं ठीक है ठीके? ओके वाह प्यार जिससे करते हैं उसी के बारे में सोचा है लव जिससे करते हैं जिसका साथ निभाने का वादा किया था उसके बारे में सोचा है जिसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए थे और उसके बाद फिर उस इंसान से रिलेशन तोड़ दिया सडनली वो उसके बारे में सोच रहे हैं ओके यहाँ पर आ, यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उसके हिसाब से साथ देंगे पूरा साथ देंगे अगर हाथ पकड़ा है आपका तो साथ देने का वादा अगर किया है तो साथ देंगे पूरा सपोर्ट इनको अब आपका मिलने वाला है प्यार ही आपसे बहुत ज़्यादा करेंगे मैं तो कार्ड्स को एनर्जीज बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कार्ड राशि सुन लीजिएगा सजिटेरियस लिव एंड कैंसर दिख रहे हैं कैप्रिकॉन ब्रशअप कुंभ एक्वेरियस वर्गों दिख रहे हैं लिवरा जेमनाई दिख रहे हैं एरीज दिखाई दे रहे हैं पैसेज दिख रहे हैं स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं तो ये हो तो हो गई राशियाँ ठीक है आई होप सो आपको कार्ड दिख रहे होंगे ओके okay. सो so, ये तो हो गई राशियाँ इनकी ठीक है अभी आप ये चीज को समझ लीजिए कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग पूरा दिन पूरा दिन अगर मैं बोलूँ कि कार्ड की एनर्जीज तो यहाँ पर आ रही है कि पिछले काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं लेकिन हो सकता है कि डिसीजन आज लिया हो तो इसीलिए बार बार मेरे को दिख रहा है कि डिसीजन आज लिया डिसीज़न लिया तो यहाँ पर आ, देखो ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा मेरे को चिंता दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में या फिर इनका जिसके साथ रिलेशन था वो बहुत लंबे टाइम से रिलेशन था बहुत ही लंबा काफ़ी ईयर्स हो सकते हैं काफ़ी मंथ हो सकते हैं और बहुत क्लोज हो सकते हो कोई भी हो सकता है लेकिन इनके एनर्जीज के अकॉर्डिंग पर मैं देख रही कि ये जो पर्सन पर्सन है इन्होंने अपने के साथ सडनली ऐसा वेव किया जो कि शायद उसको हर्ट कर गया होगा दिल में बहुत ज्यादा पेन फील कर रहा होगा वो इंसान क्योंकि इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग अब इनकी इनको लग रहा है कि मतलब ये उसका साथ छोड़ रहे हैं या फिर छोड़ दिया है उस पर्सन का साथ तो अब जाकर इनको बहुत ज़्यादा रिलेक्स हो रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है मेंटली बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लव करते हैं वो जो प्यार है वो खत्म नहीं हो पा रहा है मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर क्या लग रहा है इनकी फीलिंग्स में कि भाई मैं, मैंने उस पर्सन को जिसको मैं बहुत ज़्यादा लव करता था मैंने अपने स्वार्थ में आकर या मैंने किसी फैमिली की वजह से या अपना अपने फ्यूचर की वजह से लाइक किसी भी क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत डिफरेंट साइड मैरिड हो इनको आ, किसी एनर्जीज में इनको लग रहा हो या फिर आप वन साइड सिंगल वन साइड मैरिड हो आप वन साइड सिंगल वन साइड मैरिड है तो कहीं ना कहीं इनको कही लग रहा होगा कि फ्यूचर नहीं है मेरा इनके साथ तो मैं फ्यूचर अपने किसी और के साथ बना लेता हूँ या बना लेती हूँ जो भी आपके पर्सन हो आप अपने हिसाब से प्लीज़ लगा लीजिएगा कि आपके पर्सन मेल है कि फीमेल है

ना कहीं उसके साथ इन्हें छोड़ना है उसके साथ इनका रिलेशन जो है वो नहीं बन पा रहा है या फिर उसके साथ इनकी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं हैप्पी एनर्जीज नहीं आ रही है फिर फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ इनका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहा है यहां पर जो मेरे को कार्ड दिख रहा है सिक्स वेंट्स है और जो सिक्स वेंट्स है वो यहाँ पर यही बता रहा है कि जो पर्सन है बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं डिसीजन लिया है इन्होंने कि मैं आप इनसे दूर नहीं रहूँगा मुझे अपने पर्सन से बात करनी ही होगी इससे पहले कि हम और वो हमेशा के लिए अलग हो जाए या फिर पूरी तरीके से आप और वो अलग हो भी चुके होंगे तो भी आपकी ज़िंदगी में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है जो कि किसी ऐसी चीज़ की तरफ़ बता रहे कि बार बार हो सकता है कि इनको अपने करियर की तरफ भी फोकस जो है वो करते हों या फिर करियर की तरफ भी इनको बहुत ज़्यादा ट्रैक ट्रैक्शन हो अपनी लाइफ में करियर में भी बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जीज आ रही है ये एनर्जीज आ रही है कि ये इन्होंने आपके साथ जो मिसवेव किया या फिर बीच में से आपको रोता हुआ छोड़ दिया रिलेशन तोड़ दिया इतने सालों पुराना रिलेशन इन्होंने जो आपके साथ गलत किया या झगड़े किए या फिर आपके साथ इस तरीके का वेव किया जो बीच में से लाइक मैरिज तोड़ देना या फिर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो एकदम से रिलेशन किया और फिर भावनाओं को भावनाओं के साथ इमोशनली रिलेशन को कनेक्ट किया फिर अचानक से सडनली छोड़ देना यहाँ पर लिव इन में रहे हो आप फ्रेंड सर्कल में पूरा विश्वास किया था आपने इनके ऊपर तभी जाकर आपका रिलेशन आगे बढ़ा था अगर आपको विश्वास नहीं करते तो रिलेशन भी नहीं आगे बढ़ता लेकिन इन्होंने इन विश्वास किया और उस विश्वास का क्या नतीजा हुआ कि कहीं ना कहीं ये पीछे हट गए लेकिन अब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहां पर यही बोल रही है कि जो पर्सन है ये लौटकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में क्योंकि बहुत ज्यादा लव करते हैं इसलिए मूव ऑन करना इनके लिए आसान नहीं होगा ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दूसरी मैं यहाँ पर करियर की रीडिंग करने जा रही हूं मेरे को बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम करियर का रीडिंग बता देना कि आज हमारे करियर में क्या क्या होने वाला है तो so, देखिए सो so, देखिए यहाँ पर मैं करियर के लिए देख रही हूँ कि आप एफर्ट्स कर रहे हो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल सक्सेस सक्सेस नहीं मिल रही है फिर मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं करियर में वो चीज नहीं आ पा रहे अभी देखिए कुंडली में देखने पर ग्रह पर देखने पड़ेगा कि आपको जो टेंथ हाउस है उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है कौन सा ग्रह ऊंच का बैठा हुआ है कौन सा ग्रह नीच का बैठा हुआ है कौन सी उसकी दृष्टि ये सारी चीज़ें मुझे टेंथ हाउस में देखने को ही जो है वो पता चलेगा करियर का स्थान वही होता है लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मेन चीज यहाँ पर अभी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन आपके जो करियर है उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही अभी समय के अकॉर्डिंग इस समय हो सकता है कि आपको करियर में निराशा हो रही हो या फिर करियर में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि तो इतनी मेहनत करने के बाद मेरा करियर क्यों नहीं बन रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आ, हम सही दिशा में प्रयास नहीं कर पाते हमें पता ही नहीं होता है एक्चुअल में कि हमारी कुंडली के हिसाब से हमारे गृह दिशा के हिसाब से हमें कौन सा करियर अपनाना कौन सा करियर हमें अपनाना चाहिए और हम मेहनत करते रहते हैं मेहनत करते रहते हैं मेहनत करते करते हम उस दिशा में पहुंच ही जाते हैं जहां पर हमारा राइट पाथ होता है हमारा राइट करियर होता है राइट right? तो यहां पर एनर्जीजारी कि आप किस दिशा में प्रयास कर रहे हो कि आप नहीं कर रहे हो लेकिन इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है करियर ऐसा होने वाला है कि इसमें फाइनेंस का बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है जो करियर मैं देख रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब आ, जो चाह है वो करियर मिलेगा तो ये रही आपकी करियर की जिसने भी करियर की रीडिंग के लिए बोला था मैंने इस करियर की रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह कर दिया है तो आप सभी लोग देख सकते हैं बाकी का आज दिन भर की एनर्जीज आपके पर्सन की जो है वो मैं एक बार और दोहरा देती हूँ इनकी फीलिंग्स में देखिए लव है लवर्स का कार्ड है ठीक है और बाकी के कार्ड की, की एनर्जीज यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया हुआ है तो देखो दूरियाँ हैं आप लोगों के बीच में बहुत दूरियाँ हैं बहुत डिस्टर्बेंस है लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी ये जो दूरियाँ हैं ये दूरियाँ अब खत्म होने वाली हैं क्योंकि इनका जो आज दिन भर का डिसीजन है वो यहाँ पर यही डिसीजन मेरे को दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा डिसीजन कि आप दोनों के बीच में जो मूव ऑन वो जो लव था वो लव खत्म नहीं होने वाला है यहाँ पर लव का कार्ड है जस्टिस का कार्ड है डियर गाइज यहाँ पर पूरी तरीके से जो पर्सन है वो साथ देने वाले आ रहे हैं मतलब साथ देना चाह रहे हैं आपको इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपसे दूर गए हैं अपनी जिम्मेदारियाँ इन्होंने नहीं निभाई निभाया ये साफ दिखाई दे रहा लेकिन अब की एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो पर्सन है ये अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगे आपकी बातों को भी सुनेंगे और कुछ फैसले जो लिए हैं वो यहाँ पर स्टेबल होने के लिए लिए हैं मतलब इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो दूरियाँ आप में है क्योंकि तो इनको इनका क्या है कि इन्होंने पहले आपके साथ रिलेशन को रखा और उसके बाद अपनी ज़िम्मेदारी को भूल गए दूसरे के बहकावे में आकर किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपके साथ रिलेशन तोड़ दिया तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको इस समय पर डिस्टर्ब कर रही है और जिसकी वजह से ही आपके पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं टू फ्रेश कार्ड में और लेना चाहूंगी अपने डेक से टू फ्रेश कार्ड कि अभी एक्शन इनका जो है वो क्या होने वाला है दोबारा से एक बारी और आ, देखेंगे हार मनी ओके कंट्रोल सो so, देखो यहाँ पर कंट्रोल बहुत ज्यादा हो रहा है किसी भी थर्ड पार्टी का कंट्रोल डेफिनेटली इनके है लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो कंट्रोल अब नहीं चलेगा पूरे दिन भर की एनर्जीज है थर्ड पार्टी पूरा प्रयास कर रही है पूरी कोशिश कर रही है जिससे कि आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर हो जाए कंट्रोल करने की कोशिश आ रही है यहाँ पर कंट्रोल लिखा भी है लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो कंट्रोल है उनका वो कंट्रोल पूरी तरीके से थर्ड पर्सन का अब नहीं चल पाएगा जब चल रहा था तब उन्होंने आपसे दूरियाँ बना ली थी लेकिन अब उन्होंने सोच समझ फैसला लिया है सोच समझ डिसीजन लिया है और वो डिसीजन एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा आपकी लव लाइफ से रिलेशन से रिलेटेड कि वो पूरी तरीके से अब आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे तो ये रहा उनका डिसीजन जो कि आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड कहीं ना कहीं अगर ये डिसीजन आपके साथ कनेक्ट किया तो आपकी लाइफ में जो है वो इनकी वापसी होगी सो डियर गाइज कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर लिखिएगा कितना रेजोनेट uh, किया है आपने इस रीडिंग को एंड पर्सनली आपको कोई भी टैरो टेरुकार रीडिंग लेनी है गाइडेंस लेनी है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं जन्म कुंडली दिखवानी है जन्मपत्री दिखवानी है कुंडली मिलान कराना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा एंड चेक केयर बाय बाय